तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि आज यानी कि 6 फरवरी से बोर्ड एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो गए हैं और इन एग्ज़ामिनेशन में कुछ स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और कुछ स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन यानी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है और कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है कि उनकी बिल्कुल भी तैयारी ना हो, उनकी बहुत ही नॉमिनल तैयारी हो। तो और ऐसे स्टूडेंट्स जो चिंता करते हैं अपने रिजल्ट्स के बारे में, मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो नहीं पढ़ते और उनको कोई चिंता भी नहीं है कि क्या होगा, क्या अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं। उन्हें कि उन मार्क्स से कोई डर नहीं है, उनको रिजल्ट का कोई डर नहीं, तो उन स्टूडेंट्स को हम अलग रखते हैं। उन स्टूडेंट्स को लाइन में लगाते हैं जिन्होंने सालों में पढ़ाई की है लेकिन उतनी अच्छी नहीं की, या वो थोड़ा बहुत मिसगाइड हो गए और उतनी अच्छी से तरह से अपनी प्रिपरेशन को नहीं कर पाए जितनी अच्छी तरह से वो कर सकते थे। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ट्रिक शेयर करूँगा कि जो भी पेपर होने वाले हैं आपके, आज जो पेपर आपके हो गए हैं या एक पेपर अभी आपका हुआ है और जो पेपर नेक्स्ट आपके आने वाले हैं, उसमें अगर आप ये ट्रिक अप्लाई करेंगे तो बगैर बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, ज़्यादा ना पढ़े हुए, जो आपके चिंता है, जो आपकी एंजाइटी है कि आप घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो कि किस तरह से क्वेश्चंस को हम डील करें, किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करें, उनके लिए ये ट्रिक है। और मैंने भी ये ट्रिक अपनाई थी और ये ट्रिक आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन समझदारी के साथ अगर आप ये ट्रिक अप्लाई करेंगे तो ये ज़रूर काम करेगी। लेकिन अगर आपने इस ट्रिक का गलत तरीके से यूज़ किया तो फिर आप के लिए परेशानी और भी बढ़ सकती है। तो इस ट्रिक क्या है, जो भी क्वेश्चन होता है हमारा एग्जामिनेशन, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट, ऑल टोटल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, अगर आप उन जो लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर देना होता है, उन क्वेश्चंस की अगर आप मेन मेन पॉइंट्स को कलेक्ट कर पाते हो अपने माइंड में, मेन मेन हेडिंग्स जिनको बोलते हैं, अगर आप उनको अलग लिख कर उनको याद कर सकते हो और उन पॉइंट्स को डील कर देते हो दो लाइनों, चार लाइनों में, तो इस तरह से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। साइंस के सब्जेक्ट में अगर आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल वही नहीं है जो वो है, तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन कुछ हद तक अब ये बात साइंस में भी अप्लाई हो गई कि अगर आपको आइडिया है, आपको आंसर के बारे में आइडिया है और आप जानते हो कि इसका आंसर क्या है, लेकिन आपको पूरी तरह से याद नहीं है कि आंसर क्या है, तो आप उस पॉइंट से, आप उस टॉपिक से मिलता जुलता एक्सप्लेन कर सकते हो, उस टॉपिक से मिलता जुलता अपने आंसर बुक में जवाब दे सकते हो, जिससे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा या पूरे नहीं आएंगे लेकिन एटलीस्ट इतने ज़रूर आएंगे जिससे आपको ठीक ठाक मार्क्स मिल जाए और आप अच्छे से पास हो। सो गाइज, ये एक ट्रिक है कि जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन है, वो सवाल है, अगर आपके पास उसका थोड़ा सा आइडिया है, थोड़ा सा एक क्लू है आपके माइंड में कि हाँ इस क्वेश्चन में इस बात को पूछ रहे हैं, तो आप उससे मिलता जुलता लिख सकते हो। और होता क्या है कि लोग एग्जैक्ट याद करते हैं ताकि हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए, लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है उस क्वेश्चन की, तो आप एटलीस्ट उस क्वेश्चन को उससे मिलते जुलते आंसर के साथ अटेम्प्ट कर जाओ। और क्या है इसमें, बस यही होता है कि और आप कर भी क्या सकते हो, अब आप कर भी कुछ नहीं सकते क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं और किन्हीं कारणों से आपका टाइम चला गया। सो गाइस, ये ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो, जवाबों का मिलता जुलता आंसर दो, तो उसके आसपास का आंसर दे सकते हो आप। आसपास के आंसर का मतलब है कि जो आंसर आप लिख रहे हो, जो टॉपिक को लिख रहे हो, वो एग्जैक्ट नहीं मालूम लेकिन उससे मिलता जुलता, उस बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए हमें, उस बारे में थोड़ी जानकारी हमें है और उसमें थोड़ा सा हम बना कर भी डाल रहे हैं, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर द एग्जाम।